काशीपुर में लगने वाले ऐतिहासिक चैती मेले का स्वरूप पिछले 2 सालों से पूरी तरह बदल गया है। मेले की जिम्मेदारी सरकार को मिलने के बाद से ही यहां दुकान आवंटन के लिए निकलने वाले टेंडर महंगे होने की वजह से चैती मेले आधे में ही सिमट कर रह गया है। चैती मेले में दुकानों के महंगे किराए के कारण व्यवसायियों की कमर टूट गई है। अधिक कीमत के कारण दुकानदारों के लिए किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। इस वर्ष चैती मेले का टेंडर 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ठेकेदारों और दुकानदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि जब से चैती मेला सरकार के अधीन हुआ है, तब से मेले की दशा खराब हो गई है। आने वाले दिनों में चैती मेले का अस्तित्व समाप्त होता नजर आ रहा है। इस बार हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पर, एक तो हमारा काम नहीं चला और काम ना चलने की वजह से इस वक्त जो है हम घर से निकलते हैं कि 2 पैसा कमाने के लिए। इस बार यहाँ पे हमें महंगाई की वजह से, अब ये लगा लो हमारा भाड़ा भी है, सब कुछ है, हमें पूरा दिखाई दे रहा है। मुझे मैं अपने बता रहा हूँ, ये पूरा हमें लॉस पड़ रहा है। कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का सिर्फ मुझे इसी ठेके पे नुकसान है इस बार। क्यों? जो हफ्ते में हमें मिली है, पिछले साल ली थी हमने 20,000 रुपये की, इस बार दी हमें 45,000 से 45,000 रुपये की। फिर हमारा खर्चा भी है, लड़के भी है, सब कुछ है, हम कहाँ से निकालें? और ठेकेदार कहते हैं हमसे कि जी पूरा पेमेंट चाहिए हमें, और हमने उनको कम दे दी तो पत्ते भी नहीं कर रहे हमारे साथ में। ये हाल और कर रखा है लोगों ने हमारे साथ में। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि भाई क्या नाम है, भाई इन्होंने जो ठेकेदारों ने दोनों ने गलत काम किया है। इनके 30 लाख रुपये धनराशि इसीलिए जमा होती है कि वो जो है अगर ठेकेदार कोई गलत काम करता है तो उसकी राशि वो जब्त कर दी जाए। कोई प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। इसमें मेन यही है कि झूले सेक्टर में जो है 3-4 दुकानें खन्ना सौपी लगी है, काफी शाम लगा हुआ है, जो पराठा और चाट की दुकान, ये 3-4 दुकानें बहुत बड़ी बड़ी है, जो कि झूले सेक्टर में कोई दुकान नहीं होनी चाहिए ऐसे इंसान की सड़कों पर मुताबिक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।